नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कावेरी नदी पर हो रहे विवाद की। कावेरी नदी के जल बंटवारे का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगाया है। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया, जिस पर कई किसानों, कई कन्नड़ समर्थक संगठनों और मजदूर यूनियनों ने 26 सितंबर को बेंगलुरु में बंद बुलाया है। किसानों की कर्नाटक जल संरक्षण समिति ने बंद का ऐलान किया। बंद का राज्य में विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस ने भी समर्थन किया है। 29 सितंबर के लिए फिर से बंद का ऐलान किया गया है। संगठनों का कहना है कि मॉनसून खत्म होने को है और खेती के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? प्रदर्शनकारियों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि कावेरी बेसिन रिजर्वायर में पहले ही पानी की स्टोरेज लेवल कम है और कावेरी नदी में बेंगलुरु में पानी और मांडिया में खेती के लिए पानी मुख्य स्रोत है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी विवाद के मुद्दे को देख रही है। आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद 140 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसके कुछ हिस्से केरल और पुडुचेरी में भी हैं। यह विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ था। कर्नाटक, जो तब मैसूर के नाम से जाना जाता था, ने नदी पर बांध बनाने की मांग उठाई, जिसका तमिलनाडु ने विरोध किया। 40 सालों तक विवाद चलने के बाद 1924 में अंग्रेजों ने दोनों राज्यों के बीच एक समझौता करवाया, जिसके तहत तमिलनाडु को 556 टीएमसी और कर्नाटक के लिए 177 टीएमसी पानी पर अधिकार का करार हुआ। बाद में पुडुचेरी और केरल भी इस विवाद में कूद पड़े, जिसके लिए 1972 में एक कमेटी गठित की गई और 1976 में कमेटी ने चारों दावेदारों के बीच एक एग्रीमेंट करवाया। हालांकि विवाद जारी रहा और 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम के तहत एक ट्रिब्यूनल की मांग की। 1990 में गठित ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि समझौते के तहत तमिलनाडु को तय हिस्सा मिलेगा, लेकिन कर्नाटक का कहना था कि ब्रिटिश शासन में किया गया समझौता न्यायसंगत नहीं है। हालांकि तमिलनाडु पुराने समझौते को तर्कसंगत मानता है। कावेरी जल विवाद को लेकर 1991, 2002, 2012 और 2016 में भी बवाल मचा, लेकिन इस बार फर्क यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विवाद फिर से तूल पकड़ रहा है। 1991 और 2016 में इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और राज्य में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली थी। दोनों ही समय पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। 1991 में राज्य में एस बेंगुरप्पा मुख्यमंत्री थे। उस दौरान हुई हिंसात्मक घटनाओं में 23 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में सिद्धरमैया की सरकार में कावेरी जल विवाद उठा था। मौजूदा विवाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री डीके शिवकुमार के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य पानी दे पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके जलाशयों में खुद पानी नहीं है। इस बयान पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा, जिस पर कर्नाटक सरकार ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही। इसे लेकर कर्नाटक के किसानों और विभिन्न संगठनों समेत राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई और कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध किया। 21 सितंबर को कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।